हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे चैनल जीतू नायर में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोटक 811 बैंक में आप अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कोटक बैंक में आपका अकाउंट हो तो आप अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, कहीं जो उन्होंने पूछा, तो मैंने सोचा इसमें एक न्यू वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, आपका कोटक 811 में अकाउंट नहीं है तो आप मुझे बताइए कैसे बनाते हैं। आपके कहने पे मैं ज़रूर ये वीडियो लाऊंगा, कोटक 811 में आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बताऊंगा कोटक 811 में अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा, तो मैं सारा बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट मेरे चैनल जीतू नायर को, लाल कलर वाला बटन दबा के, और साथ ही साथ में उसके साथ पास में बेल आइकन है जो, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो ऐसे ही नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो चलो ये दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो दोस्तों, आपको अपने ऐप्स में जाने के बाद आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, कोटक बैंक, इसमें टैप करना है। जैसे ही दोस्तों ये खुल चुका है, अब उनको इसमें लॉगिन करना है, तो अपन फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन हो चुका है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, अपने देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सारा कुछ आ चुका है, अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट, चेक रिक्वेस्ट का बताना है तो वीडियो बनानी है तो वो भी आप बता दीजिएगा मेरे को। तो मैं बताना है आपका अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपनी देखो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है। जैसे अब आपको देखो इसमें बता रहा है कि स्टेटमेंट कब से कब तक का निकालना है आपको। तो देखो, 1 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है, 6 मंथ का निकालना है, या कस्टम अपने हिसाब से निकालना है दोस्तों। इसमें डेट चुन लीजिए कोई भी, जहाँ से जहाँ तक का निकालना है वो चुन लीजिए। अब आपको पूछ रही है सेंड कैसे चाहिए, सेंड वाय, मतलब आपको ईमेल के थ्रू चाहिए सेंड करना है अकाउंट स्टेटमेंट, या आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करना है तो दोस्तों चार्जेस लगेंगे दोस्तों, पोस्ट के थ्रू आएगा तो आपके डाक से आएगा तो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ पोस्ट के थ्रू क्या करना है, ईमेल के थ्रू मंगाओ, ये फ्री है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 1 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है, जो भी जितना ही मंथ का निकालना निकाल लो। तो मैं सिंपली अपने 1 मंथ का निकालने के बाद सबमिट में टैप कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बता रहा है मेरा अकाउंट नंबर आपका ये है, और स्टार्ट डेट ये होगा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का होगा अकाउंट स्टेटमेंट, और ये बोला है सेंड आपके होगा मेरे ईमेल एड्रेस में। तो अपन कर देते हैं इसको, ग्रीन वाला नीचे कंफर्म बटन आ रहा है, इसको दबा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये निकल चुका है, ये कह रहा है यू आर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, और सबमिट हो चुका है। आप इसी बता रहा है डेट 3 सितंबर को आपने अप्लाई किया, और आपका रेफरेंस नंबर ये है। और दोस्तों, ये बोल रहा है आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, आपको इसके रिकॉर्डिंग कुछ भी कॉल वॉल करके पूछना है कस्टमर केयर से, तो आप कस्टमर केयर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और दोस्तों, मेरे को लग रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसी मैं यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर वाला बटन दबा के, साथ साथ में उस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, बाय।